हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी जिसको बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। वो है नूडल्स के पकोड़े। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए पानी। पहले हम एक भगोने में पानी ले लेंगे और इस पानी को आँच पे चढ़ा देंगे। अब जब हमारा ये गर्म हो जाएगा तो हम पतंजलि का आटा नूडल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और मैं प्रायोरिटी देती हूँ थोड़ा हेल्दी चीज़ों को। तो हम पतंजलि का आटा नूडल्स ले रहे हैं। इसको अच्छे से टुकड़े में कर लेंगे और इस तरह से तोड़ लेंगे। और इसके जो ये मसाले के पैकेट होते हैं ना, इसे हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इसे हमें अलग रख देना है। और ये उबलते हुए पानी में हमें इन सारे नूडल्स को डाल देना है और स्पून की हेल्प से इस नूडल को हमें पका लेना है। हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से नहीं पकाना है जैसे कि आप पकाते हैं नॉर्मली जब आप नूडल्स बनाते हैं तब। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और बहुत कम नहीं पकाना है, मतलब इसको मीडियम रखना है। इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरह का मीडियम रखना है। फिर हम इसको छान लेंगे। इसका सारे पानी ड्रेन करके हमने ले लिया है इसको एक बोल में। तो इस बोल में अब हम नूडल्स ऐड कर ही लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, तीखी तीखी हरी मिर्च। आपको जितने चाहिए आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें अब हम ऐड करेंगे अनियन, प्याज कटा हुआ। एक बड़ा प्याज मैंने कटा हुआ लिया है। गाइज, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं बेसन। आप इसमें बेसन ऐड कर लें। इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन जाएगा गाइज। अगर आप एक नूडल्स बना रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच बेसन जाएंगे। और आप डाल लें 1 चम्मच के करीब हल्दी। इसके बाद आपको लेना है स्वादानुसार नमक और इन सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गाइज, इसमें आपको वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमारा नूडल्स है उसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो इसके पानी से ही ये जो हमारा बेसन है ये मिक्स हो जाता है। लेकिन आपको फिर भी अगर आप बेसन ज़्यादा डालेंगे तो आपको शायद थोड़ा कम लग सकता है, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। गाइज, इस पकौड़े को बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी है। ट्रस्ट मी गाइज, जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि मतलब बहुत सारा पकौड़े खा लूँ, क्योंकि ये क्रिस्पी होता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको खा के। तो आई एम श्योर आप सब इसको ट्राई करेंगे ज़रूर अपने घर पे। तो ये हमारा हो गया है मिक्सर रेडी और हम सब इसको अब करेंगे फ्राई। गाइज, अब इसे फ्राई करने के लिए हम एक पैन, जो हमारा पैन अब ऑलमोस्ट इतना गर्म तो नहीं हुआ है बट लाइट गर्म हो गया, तो हम इसमें डाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। गाइज, मैं हेल्थ का थोड़ा ध्यान देती हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं रिफाइंड का यूज नहीं करती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ, यानी कि सरसों का तेल यूज करती हूँ किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए। तो मैंने सरसों का तेल लिया है और इसमें अब हम जब ये हीट हो जाएगा तो अपने मिक्सर को इसमें मैं डालूंगी, जो हमारा पकोड़ा का मिक्सचर है उसे हम इसको डाल के फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, ज़बरदस्त मस्त एकदम गर्म हो गया है। अब सारे स्पून की हेल्प से मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से आप स्पून से भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपने हाथों से भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हाथों से भी डल जाएगा। और फिर इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए मैं दूसरा साइड पलट रही हूँ। इस तरह से आप भी इसको पलट करके दोनों साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लें। ये हमारा दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अंदर से भी अच्छी तरह से पक गया होगा। तो मैं इसको अब निकालूंगी टिश्यू पेपर पे, ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में निकल जाए। सो लीजिए गाइज, आपके लिए गर्मा गर्म नूडल्स के पकौड़े हाजिर हैं। टेस्ट करके बताएं गाइज कैसा है।
गाइज आई होप आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी ज़रूर इस झटपट तरीके से बनाने वाले पकोड़े को ट्राई करेंगे। गाइज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर लीजिए। तब तक गाइज खाते रहिए, खिलाते रहिए।